गौरव निषाद जी ने एक सवाल पूछा है कि कौन सी मशीन लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगी, और इस वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी कि कौन कौन सी मशीनें हैं अभी मार्केट में जो मोस्ट पॉपुलर हैं और आपके काम के लिए कौन सी सही रहेगी, कौन सी सही नहीं रहेगी, किस बजट में मशीन आएगी, किसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। उसी के बेसिस पर, उसी को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी मशीन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप मशीन को अपने कितना लंबा आप चलाना चाहते हैं उतना लंबा टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आप मशीन को चूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि मशीन आप कोई सी भी लें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मशीन का ध्यान आप कैसे रखते हैं, कितना रखते हैं, मशीन कितने लोगों के हाथ में जाती है और कितना रेगुलरली उसकी ऑयलिंग और क्लीनिंग होती है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी मशीन की लॉन्ग टर्म लाइफ का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाली मशीन है मैनुअल मशीन्स या आपकी डोमेस्टिक हाफ शटल मशीन्स, जो कि काले रंग की मशीन्स होती हैं और आप हाथ से चलाते हो या पाँव से चलाते हो। ट्रेडल मशीन्स होती हैं, वो मशीन्स तकरीबन आपकी 30-40 साल कम से कम चलती हैं और उसके बाद भी आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दे सकते हो। कॉस्ट वाइज आप बात करो तो कॉस्ट उसकी तकरीबन होती है 4,000 से शुरू हो करके 8,000 के आसपास आपको मशीन मिल जाती है। अगर आप टेबल लगवाते हो उसके साथ, आप कितना मशीन को फैंसी लुक देते हो, ड्रॉअर लगवाते हो, टेबल लगवाते हो, उसके हिसाब से मशीन आपको 10,000 तक की भी पड़ सकती है। तो मशीन लोकली भी अवेलेबल होती है मैनुअल मशीन्स, और हैवी मेटल की मशीन होती है, लोहे की हैवी मशीन होती है, तो काफ़ी लंबी चलती है। कीमत इसकी आपको मिल जाएगी 3,000 के आसपास आपको लोकल मशीन्स मिल जाती है। अब अगर हम बात करें नुकसान की, तो नुकसान जो मैनुअल मशीन्स का होता है, लंबी तो चलेगी लेकिन जनरली अधिकतर घरों में आप देखोगे तो मैनुअल मशीन्स पड़ी रहती है, इस्तेमाल में कभी कभार हो पाती है जब किसी को बहुत ही ज़्यादा सिलाई करने का शौक़ हो या फिर बहुत ही ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़े सिर पर कि उसको सिलाई करनी ही है तो सिलाई मशीन खोली जाती है, या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तब भी मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और हाथ से या पाँव से चलने वाली जो मैनुअल मशीन है उसको थोड़ा हैवी मशीन होती है, इधर उधर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी हैवी होती है, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाती क्योंकि सिर्फ सिलाई, सीधी सिलाई करती है। और अधिकतर लोगों को मशीन, क्योंकि खुद की मेहनत लगती है, तो मशीन चलाते हुए उनको कंधे में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, इस तरीके की परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मैनुअल मशीन धीरे धीरे बाकी देशों में भी फैशन से, प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से बाहर होती जा रही है। और इंडिया में भी अब ऑटोमेटिक मशीन्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैनुअल मशीन्स के। दूसरी तरीके की सिलाई मशीन्स जो बहुत पॉपुलर हो रही है वो है ऑटोमेटिक ज़िगज़ैग बिगनर लेवल सोइंग मशीन्स, जो कि डोमेस्टिक लेवल हाफ शटल की मशीन्स होती हैं, जैसे कि आपकी उषा जनोम ड्रीम स्टिच हो गई, सिंगर 8280 है, सिंगर की ही 1409 है, 1306, 1304 है। और उषा में आप बात करो तो उषा जनोम के अंदर आपकी ऑटोमेटिक मशीन एल्योर हो गई, एल्योर डीलक्स, वंडर स्टिच, इस तरीके की जो मशीनें हैं आपकी 8,000 से 15,000 के बीच में आ जाती है। फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर जो बेसिक सिलाई है, सीधी सिलाई है, उसके अलावा डिज़ाइनिंग कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, बटन होल बना सकते हो, यानी आपका ऑल इन वन काम एक मशीन में हो जाता है। नुकसान ये होता है कि ये वाली मशीनें आपकी प्लास्टिक बॉडी की होती है, मेटल की बॉडी होती है, पोर्टेबल मशीन होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी कि आपकी हैवी मेटल की मशीन होगी। ऑटोमेटिक मशीन्स आपकी तकरीबन 10 से 25 साल कम से कम चल जाएंगी, और बाकी कितना आप अच्छे से उसका ध्यान रखते हो, उसका ऑयलिंग मेंटेनेंस करते हो, उसके हिसाब से भी उसकी लाइफ डिपेंड करती है।
तीसरे तरीके की मशीन्स आती है ऑटोमेटिक मशीन्स में ही, ऐसी मशीन्स जो कि आपको हैवी ड्यूटी काम के लिए चाहिए, जैसे कि आपको जीन्स सिलनी है, लेदर सिलना है, क्विल्टिंग करनी है, या फिर आप मशीन चाहते हो जो कि मोटे कपड़े पर चल सके, घर के आप बाकी सारी चीज़ें सिल सको, ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर सको, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी कर सको। ये मशीनें आपकी जो बेसिक अच्छी लेवल की मशीन्स हैं वो है उषा जनोम की स्टिच मैजिक है, जो कि मेरे पास ये वाली मशीन है। आप इसके अलावा मशीन ले सकते हो सिंगर की 4423 ले सकते हो, सिंगर की ही कुछ और हैवी ड्यूटी मशीन्स भी हैं, लेकिन ये जो स्टिच मैजिक जो मशीन है या सिंगर 4423 है, ये आपकी आ जाएगी तकरीबन 18 से 22 हज़ार के बीच में। जबकि आप इसे हायर लेवल पे जाती हो तो रेट थोड़ा बढ़ता जाएगा। मशीन सिंगर की काफ़ी ड्यूरेबल मशीन्स होती है, हैवी ड्यूटी मशीन्स होती है, लेकिन उषा जनम की मशीन्स भी क्वालिटी में अच्छी हैं और अच्छी चल जाती है। तो मशीन्स आप ये मानिए कि आपकी 20-25 साल आराम से आपके निकाल देगी, बाकी आपकी देख रेख पर डिपेंड करता है। चौथे तरीके की जो मशीन है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मशीन चाहिए हो सकती है, वो है बुटीक पर्पस के लिए। देखिए, जब हम होम यूज़ की मशीन्स, अभी तक जो मशीन्स की बात हम कर रहे थे वो होम यूज़ के लिए बात कर रहे थे, और बिगनर लेवल या बिगनर से भी जो सिलाई के शौकीन लोग हैं, जैसे जो जिनको रोज़ सिलाई का शौक है या जो सिलाई करना पसंद करते हैं रेगुलर बेसिस पर, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो लोग स्टिच मैजिक या सिंगर 4423 जैसी मशीनें या कंप्यूटराइज्ड मशीन्स ले सकते हैं, जैसे ब्रदर की आपकी FS101 मशीन है, इस तरीके की मशीन्स ले सकते हैं और मशीन आपकी 20-25 साल चल जाती है। लेकिन अगर आपको बुटीक खोलना है, क्लोथ प्रोडक्शन हाउस खोलना है, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पर, एवरीडे बेसिस पर आपको 5-10 कपड़े तो रेगुलर बेसिस पर कम से कम निकालनी है, तो ऐसे में आपकी या तो आपको इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन्स खरीदनी होगी, चाहे सिंगर की है और सिंगर के अलावा, या फिर लोकल मेड यदि आपकी मशीन्स हैं तो आप जैक की मशीन्स ले सकते हो। जैक के अलावा झुकी की मशीन्स बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप कमर्शियल लेवल की इंडस्ट्रियल मशीन्स ले रहे हो, तो वो मशीन्स आपकी चलती है इवन 20-25 साल से भी ज़्यादा चल जाती है, और इनफैक्ट 30 साल से भी ज़्यादा चल जाती है आपकी मशीन। मेरे पास जो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि कौन सी मशीन कितनी ड्यूरेबल है, मैंने अपनी स्टिच मैजिक के बारे में भी बताया था, जो कि 10 साल हो गए इस मशीन को, और मेरी अम्ब्रेला मशीन जो है उसको 20 साल हो गए हैं। तो अम्ब्रेला मशीन इंडस्ट्रियल मशीन है, बजट आपका यदि आप हायर मशीन्स पे जाते हो आज की डेट में, तो बजट आपका तकरीबन 20 हज़ार के ऊपर से ही शुरू होगा, 20-25 हज़ार को आप ऊपर से मान करके चलिए। लेकिन आप डोमेस्टिक लेवल की मशीन्स लेना चाहते हो, एक अच्छी मशीन लेना चाहते हो चाहे जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छी चल सके, तो आप 15 से 18 हज़ार 20 हज़ार के बीच में ड्रीम स्टिच या फिर स्टिच मैजिक ले सकते हो, वंडर स्टिच ले सकते हो, सिंगर की मशीन्स ले सकते हो, सिंगर की आप 4423 ले सकते हो, ब्रदर की ले सकते हो 2700, या फिर ब्रदर की आप 3700 ले सकते हो। लेकिन ब्रदर की मशीन्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ब्रदर अभी सर्विस और डेमो प्रोवाइड नहीं करता इंडिया के अंदर, इसलिए आपको परेशानी हो सकती है। लोकली आपको ये पता करके रखना पड़ेगा कि आपको ब्रदर की मशीन्स के अंदर या जो मशीन आप ले रहे हो उसका लोकली आपको मैकेनिक अवेलेबल है या नहीं। वैसे प्रेफर ये रहता है कि आप कंपनी के ही मैकेनिक को, क्योंकि कंपनी भी 2 साल की वारंटी आपको देती है, तो कंपनी के मैकेनिक को बुला करके आप मशीन की सर्विसिंग करा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फिर भी लोकली आप एक बार पता कर लें कि आसपास कोई है मैकेनिक, तो वो मुसीबत के टाइम काम आ जाता है, जैसे लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं थे कंपनी वाले भी, तो आसपास कोई लोकल मैकेनिक होगा तो आपके काम आएगा। अब गौरव निषाद जी के सवाल का अगर पूरी तरीके से जवाब दूँ मैं, तो देखिए गौरव जी, आपने एक तो अपना बजट नहीं बताया, और दूसरे आपने ये भी नहीं बताया कि आपको किस पर्पज़ के लिए मशीन चाहिए। तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको बिगनर लेवल या होम यूज़ के लिए मशीन चाहिए, आप मशीन के शौकीन हैं और आप डेली यूज़ में मशीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में जो मैंने ऑप्शंस आपको बताई है, आप मैनुअल मशीन ले सकते हैं, लेकिन
चलेगी तो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, लेकिन आप उसमें लिमिटेड फंक्शंस सीधी सिलाई कर पाओगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एंकर की कढ़ाई कर पाओगे। ऑटोमेटिक मशीन आप लेना चाहो तो आप वो मशीन, यदि यदा कदा सिलाई करते हो या फिर कभी कभी शौकिया तौर पर सिलाई करते हो तो आप ड्रीम स्टिच ले सकते हो। बिगनर्स के लिए, बिल्कुल बिगनर यदि आप हो तो बिगनर्स के लिए ड्रीम स्टिच अच्छी मशीन है। और अदरवाइज सिंगर की 8280 ले सकते हो, सिंगर की ही 1409 ले सकते हो 8000 से 10000 के बजट में। लेकिन अगर आप बजट एक्सीड कर सकते हो, आप डेनिम सिलने के या मोटे कपड़े सिलने के शौकीन हो या रेगुलर बेसिस पे डिज़ाइनिंग के, एम्ब्रॉयडरी के, सिलाई के शौकीन हो, तो मैं आपको एडवाइज़ करूँगी कि आप सिंगर 4423 जो कि डेनिम लेदर वगैरह सिल सकती है, या फिर स्टिच मैजिक मशीन लो जिसके अंदर 57 से भी ज़्यादा इनबिल्ट डिज़ाइंस हैं। अगर आप इनमें से किसी भी मशीन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो stitchingmall.com के ऊपर पूरे फुल रिव्यूज़, क्या बेनिफिट है मशीन्स के, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या नुकसान है, किन के लिए मशीन सही है और किन के लिए मशीन सही नहीं है, पूरी तरीके से मैंने मेंशन किया हुआ है। और लिंक भी दिए हुए हैं कि आप लिंक के ज़रिए जो भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं या कैशबैक चल रहे हैं, EMI ऑप्शंस हैं, जो भी बेस्ट डील्स हैं अभी आज की डेट में, वो बेस्ट डील्स आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप एक बार stitchingmall.com पर भी मशीन खरीदने से पहले रेट्स एक बार चेक कर लें। मुझे उम्मीद है कि मैं आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर देने में सफल रही होंगी। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है और इस वीडियो के बाद आपने कौन सी मशीन लेने का फ़ैसला किया है। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है सिलाई मशीन से जुड़ा हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख करके बताइए कि क्या आपको डाउट्स हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिलाई मशीन सस्ती आती नहीं है, महंगी मशीन्स होती है। मशीन आप बार बार नहीं लेते, एक ही बार लेते हो, और वो मशीन अगर आप अच्छी मशीन लेते हो, बढ़िया मशीन लेते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही मशीन लेते हो, तो आपको सिलाई करने में मज़ा भी आता है और आपका कुछ नया बनाने का मन भी करता है। लेकिन वहीं अगर आपने गलती से गलत मशीन चूज़ कर ली अपने लिए, तो मशीन आपके लिए एक सिरदर्दी बन जाती है और आप हमेशा सिलाई करने से ज़्यादा आपका टेंशन यही लगा रहता है कि इस मशीन से छुटकारा कैसे पाऊँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप ना फंसो, इसलिए ज़रूरी है कि मशीन लेने से पहले जो कमेंट सेक्शन है आप उसके अंदर मुझसे पूछ लें। कोई भी आपका अगर डाउट है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी सिलाई मशीन है, सिलाई है या कोई भी नया डिज़ाइन मैं बनाती हूँ, कुछ भी सिलाई से रिलेटेड कुछ नई लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी दूँ। और मुझे भी पता लगता है कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो, मेरे इस कोशिश जो है आप लोगों की हेल्प करने की, उसका कोई फ़ायदा पहुंचा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।